सर रेडी। दो मिनट दो मिनट। रेडी, लाइट्स, कैमरा। डोंट वरी सर, मैं बोल रहा हूँ। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो मेरे पास पोको का M2 प्रो मोबाइल फ़ोन था वो करीबन 2 महीने पहले मेरे पास आया था, और मैंने आते के साथ ही पबजी इंस्टॉल कर लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो अब तक मैं गेम खेल रहा हूँ तो कैसा गेम प्ले मुझे मिला उस समय से अब तक, अच्छा मिला है चाहे बुरा मिला, कैसा भी मिला, वो सब आपको सच बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों, हम बात करते हैं फर्स्ट डे से, मतलब कि पहले दिन से। हम मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसा कैसा, मतलब कैसे कैसे दिन बीते और कैसा कैसा मेरा गेम प्ले रहा, साथ ही कुछ प्रॉब्लम अगर आई पोको में तो वह भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले दिन जो था, मोबाइल आया मेरे पास आने के बाद, सिंपली मैंने अनबॉक्स किया था, उसकी वीडियो तो नहीं बनाई थी मैंने, बट अनबॉक्स किया था। अनबॉक्स करने के बाद मैंने जो चार्जिंग थी उसमें 38% चार्ज था, तो कुछ देर चलाया था, कुछ देर मैंने कैमरा यूज़ किया था और कैमरा सैंपल्स क्लिक किए थे, कैमरा खींचा। कैमरा मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था आने के बाद ही से। तो कैमरा के नाम अगर कैमरे के लिए बताऊं तो ओके है मोबाइल, नाइट के लिए नहीं बट डे के लिए अच्छा है। नाइट में थोड़ा सा ओवर मतलब परफॉर्म कम करता है, थोड़ा सा नाइट में थोड़ा कम काम करता है। तो फिर मैंने पबजी भी उसी दिन डाल दिया था, तो पबजी मैंने लगभग 3 क्लासिक के मैच खेले थे और बहुत अच्छा गेम प्ले मिला था। अगले दिन भी ऐसा ही, मैं क्लासिक खेलता तो और वेयर हाउस खेलता, क्लासिक खेलता TDM खेलता, वेयर हाउस खेलता, क्लासिक खेलता। तो फिर ऐसे करते करते 10 दिन ऐसे ही खेला मैंने, कोई भी इशू नहीं मिला, ना बैटरी इशू ना किसी चीज़ का इशू। मतलब 5 दिन और मैंने ऐसे ही खेला तो फिर भी कोई इशू नहीं मिला, बट 15वें दिन मतलब 15th डे क्या हुआ मेरे साथ। 15th डे में मैं लगभग रात के टाइम पे मैं गेम खेल रहा था, और उस टाइम पे मोबाइल में गेम खेल रहा था, मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा कि एक TDM का वेयर हाउस मैच लगा लूँगा और एक छोटा सा मैच होगा, खेल के सो जाऊँगा। फिर मैंने लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरे कुछ जो दोस्त थे, जो पार्टनर्स थे, ऑनलाइन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लासिक मैच हो जाए। 20% चार्ज था और मुझे पता था कि 20% चार्ज में एक क्लासिक मैच तो हो जाएगा, बिकॉज 5000 mAh की बैटरी थी, अच्छी खासी चल जाती है अगर गेम ना खेले तो। तो मैंने एक क्लासिक लगाया, लगाने के बाद सच बताऊं तो उस टाइम जो मेरे साथ हुआ वो मतलब किसी के साथ ना, इतना बुरा लैग, इतना बुरा गेम अटक रहा था, मतलब चल तो रहा था बट ये समझो कि जो पिंग होता है मेरा 500 से 600 का पिंग चल रहा था, इतना बुरा लैग कर रहा था, गेम बिल्कुल खेलने लायक नहीं था। और मैं तो वैसे भी हल्का से भी लैग ड्रॉप होता है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, तो मैं वैसे भी नहीं खेल पाता। मैं पहले Note 7 में खेलता था, तो मैं GFX टूल यूज़ करता था, जिसकी वजह से मैं अपने FPS को बढ़ा लेता था, और मैं कूलर के सामने बैठ के खेलता था, एयर कूलर, जिसकी वजह से मोबाइल हीट नहीं होता था और लैग भी नहीं होता था। मैं नोट 7 में खेलता था, बट मैं नोट 7 को क्यों बीच में ला रहा हूँ, पोको M2 Pro की बात कर रहे थे हम। तो पोको M2 Pro मैं ऐसे ऐसे खेल रहा था, और उस टाइम पे जो लैग हो रहा था, तो उस टाइम ये समझो कि मैंने एक भी किल नहीं किए थे, जो मतलब मैं बार बार मर रहा था, और मुझे बार बार मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे पार्टनर्स थे, वो रैफ कर रहे थे, रिवाइव कर रहे थे बार बार। तो वो बोल रहे थे, फरहानाज भाई क्या हो गया कि इतना क्यों बुरा खेल रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है, ये क्या इशू है। फिर एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैंने ऊपर से जो स्क्रीन होता है वो, मतलब ऊपर का नोटिफिकेशन जो शेड होता है, मैंने नीचे किया। नीचे करने के बाद मैंने ध्यान दिया बैटरी पर, उस टाइम बैटरी थी मेरी 15%। तो मुझे बिलीव होगा कि ये 15% यानी बैटरी कम है, इस कारण ही गेम लैग कर रहा है। बिकॉज मैं बात करूँ MI A3 की, उसमें ही मैंने गेम खेला है, तो उसमें जब बैटरी कम होता है तो ऐसे ही लैग करता है, इससे भी बुरा लैग करता है पबजी। और मैं बात करूँ Redmi Note 5 Pro की, उसमें भी मैंने पबजी लाइट खेला है, ना कि पबजी, क्योंकि वो पबजी के लिए उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। तो मैंने पबजी लाइट खेला है, और पबजी लाइट में वो 20% अगर नीचे गिर गया तो फिर पबजी लाइट भी बहुत बुरा लैग करता है। तो वैसे ही मुझे ऐसा कुछ लगा कि वैसी कुछ फीलिंग आई कि कुछ वैसा ही हो रहा है मेरे साथ भी, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन मैंने चार्ज लगाया, उस टाइम पे मेरा 70+ चार्ज था, तो उस टाइम मैंने गेमिंग करी, एक क्लासिक मैच खेला था, सुबह का टाइम था, एक क्लासिक मैच खेला था और 2 TDM का वेयर हाउस मैच खेले थे। तो उस टाइम पे मुझे कोई इशू नहीं मिला, तो मुझे मतलब कन्फर्म जो था बिलीव हो गया था, वो चार्जिंग के वजह से थोड़ा लैग हो रहा था, बट ऐसे ही चलते रहा। फिर मुझे इसके बाद कभी लैग इशू नहीं मिला, बिकॉज 720G प्रोसेसर था, ठीक है। और एक बात मुझे और पूछना था, चाहे मेरे मन में क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है मेरे लिए कि जो 720G प्रोसेसर है,
वो इतना अच्छा प्रोसेसर है कि मैं बता नहीं सकता आपको, या बुरा है ये भी नहीं बता सकता। अच्छा है या बुरा है मुझे पता नहीं, क्योंकि हीलियो G90T से तो कहीं ना कहीं बेटर है वो। और मैं बात करूँ उस प्रोसेसर के बारे में, तो रियलमी ने अपने प्रो वेरिएंट Realme 6 Pro और 7 Pro में उसे यूज़ किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि वो अच्छा प्रोसेसर है, तभी उसे कंपनी ने यूज़ किया है। और जो 6 और 7 है, रियल मी का 6 और 7, उसमें लो वाले प्रोसेसर यूज़ किया, यानी हीलियो G90T और G95। तो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि 720G अच्छा है, बट पबजी के लिए अगर उसको देखा जाए तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बट अगर उसको 60 FPS का, मतलब 720G जो प्रोसेसर है जिन्होंने उसे बनाया है, अगर वो चाहे तो इसे पबजी के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। उन्होंने मतलब 40 FPS ही हाईएस्ट रखा, क्योंकि मैंने गेम खेला है और गेम खेलते वक्त मैं अगर ऊपर देखता हूँ FPS की तरफ, तो वो 40 FPS से भी आगे बढ़ जाता है। बिकॉज 720G में आप देखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 FPS तक, यानी अल्ट्रा पे जो 40 FPS है उतने पे ही खेल पाओगे। बट अगर आप ध्यान दोगे FPS की तरफ तो 40 से भी आगे बढ़ता है, मैक्सिमम मैंने देखा है 45 तक गया है। तो मुझे लगता है कि ये 60 FPS के लिए बना है, और कंपनी जो है इसे जानबूझ के, मतलब जानबूझ के इसे 40 FPS पे रख रही है, ताकि जो गेम प्ले है वो अच्छा मिले, लैग इशू ना मिले और हीटिंग भी कम हो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप FPS हाई रखते हो उतनी ज़्यादा हीटिंग मिलती है। तो इसके वजह से मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी से जानबूझ के ऐसा करती है, ताकि मार्केट में इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि ये फ़ोन जो है परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा बन जाए, ये प्रोसेसर बहुत अच्छा बन जाए परफॉर्मेंस के मामले में। तो ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है। अगर आप में से किसी को सही आंसर या सही उत्तर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो रियलमी के, मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं रियलमी का मोबाइल जो बना रहे हैं, उनके पास भी पहुँच जाए और मेरा आंसर मुझे अच्छे तरीके से मिल जाए। बट गाइस, अब हम बात करें पबजी की। तो मैंने दोनों में पबजी स्टार्ट किया, ओवरऑल सेम टाइम पे ही खुला, और मैं स्टार्ट करने के बाद जो लोडिंग की टाइम आती है, जो लोडिंग हो रहा होता है गेम हमारा, मतलब प्ले करने से पहले, तो वहाँ पे पोको अच्छा परफॉर्म करता है, पोको पहले खुल जाता है। तो ये चीज़ मेरी समझ नहीं आई, मतलब कि कहीं पोको अच्छा काम कर रहा है तो कहीं हीलियो G90T अच्छा काम कर रहा है। तो अब ये MIUI 12 आने के बाद पता चलेगा कि कौन सा बेटर काम कर रहा है और बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वीडियो ख़त्म होती है, और अपने आपको क्या करना है, अपने फैमिली वालों को जाके शेयर करना है। बिकॉज अगर वो पोको का मोबाइल है उनके पास या लेने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जल्दी से जल्दी शेयर करना है और एक वीडियो को जम कर लाइक का बटन दबा देना है। अगर गाइस आपको मेरी इतनी लंबी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो पोको M2 Pro है या Redmi Note 8 Pro है वो फास्ट या स्लो है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले मैंने कैजुअली में पोको Redmi Note 8 Pro में और पोको M2 Pro में कंपेयर टाइप कह सकते हो, मैंने ऐप साथ में खोलने की कोशिश की थी। तो उस टाइम पे जो था मेरा Redmi Note 8 Pro ज़्यादा जल्दी काम कर रहा था, फास्ट था, और पोको M2 Pro कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो काम कर रहा था, मतलब थोड़ा स्लो था। बट Note 8 Pro में हमारा MIUI 12 था और हमारा पोको M2 Pro में MIUI 11, बिकॉज पोको M2 Pro में स्टेबली जो है MIUI 12 का बेट नहीं आया, बट Note 8 Pro में स्टेबली आ गया है। तो ये भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज MIUI जो 11 है वो पर्सनली मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है, बट MIUI 12 मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उससे अगला वर्जन भी है और कुछ खास अच्छे फीचर्स भी हैं, कहीं ना कहीं स्पीड भी है।